हेलो एवरीवन, अभी हम लोग क्या करेंगे? 15 मिनट में कितना 12 क्वेश्चन करेंगे? 15 मिनट में कितना क्वेश्चन करेंगे? 12 कितना? 24 क्वेश्चन, जिसमें हमारा जूलॉजी का कितना रहेगा? 12th और बॉटनी का 12th। ये यकीन 2.0 का शॉर्ट टेस्ट का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट सबके लिए। तो जल्दी से सब फटाफट लाइव में आके जुड़ो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। नीट के लिए सबसे अच्छा बैच अभी क्या है हमारा? यकीन 2.0, और ये हमारा कल संडे को टेस्ट था, शॉर्ट टेस्ट। इसमें फिजिक्स में 12 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में 12 था, बॉटनी में 12 था और जूलॉजी में 12 था। और हम क्या करेंगे, सिर्फ जूलॉजी का 12th क्वेश्चन को देखेंगे, बॉटनी का 12th क्वेश्चन को देखेंगे, और सब चीज पूरे पूरा क्वेश्चन सब क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड है, यकीन 2.0 का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जूलॉजी का कितना है? सिर्फ 12 MCQ। तो स्टार्ट करते सबसे पहला क्वेश्चन। हेलो कुंदन, हाय। आज हम लोग क्या करेंगे? अभी 15 मिनट में 24 क्वेश्चन करेंगे, बॉटनी का 12 और जूलॉजी का 12। और फिर अभी कितना बजा है? 8 बजा है। 9:30 PM से लेके 10:30 PM तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्लास करेंगे। लास्ट क्लास बचा हुआ था एक पार्ट का, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ख़त्म करेंगे, जिसमें हमारा ऑर्गेनेसिस था, फर्टिलाइजेशन था, इम्प्लांटेशन था, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था और पार्चुरेशन और लैक्टेशन था। बस इतना था, एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैच द कुलम, फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड मैच करना है। तो बताओ इसमें क्या है? जूलॉजी का। हेलो अनूप, चलो बताओ क्वेश्चन। यकीन 2.0 का ऐसा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? चलो देखो पहला क्वेश्चन। तो वन का क्या होगा हमारा? सिस्टोल। सिस्टोल किस में होता है हमारा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जब हार्ट का क्या होता है? मेरे में नेटवर्क नहीं है क्या? मेरे में नेटवर्क नहीं है जा रहा, या तुम्हारे में नहीं जा रहा, बताओ। बता दो, मेरे में नेटवर्क नहीं है या तुम्हारे में नहीं जा रहा? पहला सिस्टोल। सिस्टोल क्या करता है? सिस्टोल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है हार्ट का, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट क्या हो रहा है, जैसे हमारा बलून है, बलून में हवा गया तो क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब साइज बड़ा हो गया। रिलैक्स मतलब क्या हुआ? अनु पढ़ने की वजह से बोल रही है नेटवर्क नहीं है, लेकिन आज तुमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी क्लास में आना पड़ेगा। और रिलैक्सेशन मतलब क्या होता है? कि वो रिलैक्स हो गया अपने पोजिशन में। तो सिस्टोल का क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, समझ में आया। और बी बी में क्या होता है? ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी वो सारे का क्या होता है? ए और बी मतलब ए किसी का ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, जो भी, और किसी का ए बी दोनों होता है।
तो इसमें क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल। ये क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये तो सबको पता है। हाँ, अब यहाँ पे क्लास भी करवाएं और सबका रिचार्ज भी करवाएं, खुद करो और आओ ऑनलाइन में भी रहोगी। मतलब ये क्या हमारा यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मतलब किसी से भी वो रिसीव कर सकता है। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हम लोग जानते हैं ब्लड में होता है, तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, ये कोगुलेशन में हेल्प करता है। कोगुलेशन मतलब क्या, जमा करना, कोगुलेट करना। ये प्लेटलेट्स क्या करता है, जैसे कि क्या हुआ, हम लोग कभी देखते हैं जैसे कि हम लोग का हाथ कट गया, बस थोड़ा सा स्किन हम लोग कट कर ली, तो 1-2 सेकेंड के बाद क्या होता है, ब्लड फ्लो हुआ, बट क्या होता है फिर वहाँ पे ब्लड क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, खुद व खुद ब्लड गिरना क्या होता है, बंद हो जाता है। तो किसके कारण, हमारा प्लेटलेट्स के कारण। अगर किसी में प्लेटलेट्स क्या होता है कम हो गया, सी, हाँ सी होगा, सही है कुंदन, सी हो गया, तो प्लेटलेट्स का क्या होगा, कोगुलेशन। और आरबीसी क्या करता है, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, ये तो सबको पता है। आरबीसी क्या करता है, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा, सी। टू देखो, इन फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लड पम्प्ड बाई हार्ट, ब्लड कहाँ से, मतलब बाई हार्ट, ब्लड जो है बाई हार्ट क्या होता है, ब्लड पम्प्ड हो रहा है। अब पासिस किससे हो रहा है, हमारा लार्ज वेसल से, इनटू ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी, मतलब ये एक बॉडी कैविटी है, ठीक। और ब्लड पम्प हो रहा है मतलब उसका कोई भी बॉडी कैविटी से ब्लड पम्प हो रहा है, कहाँ, लार्ज वेसल्स में। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, या मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि वो ओपन है। हम लोग के पास क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हम लोग के पास आर्टरी है, वेन है, वेन है, सब कुछ है, कैपिलरी है, मतलब हर एक एक का वो रास्ता है। लेकिन ओपन में क्या होता है, मतलब अपने बॉडी कैविटी से कहीं से भी वो क्या करता है, पास करता है। तो क्या हो जाएगा, टू का ए, बताओ नो आंसर। विच वॉल्व, वाल्व मतलब क्या होता है, गेट, जो गार्डेड करता है मतलब रेगुलेट कर रहा है, किसका, ओपनिंग बिटवीन, मतलब किसके बिटवीन में, ओपनिंग में, राइट और राइट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब जो हमारा राइट एट्रियम है और हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये दोनों के बीच में क्या वॉल्व है, वॉल्व मतलब होता है गेट, ठीक। तो कौन रेगुलेट दोनों को कर रहा है, कौन रेगुलेट करता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, कौन करता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, जो क्या करता है, दोनों को रेगुलेट करता है। फोर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, थ्री का बी, हाँ सही है, थ्री का बी। अब देखो फोर, फोर का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब ये बताना है, हाँ तुम्हारा राइट है। अब बताओ इसमें कौन सा क्या है, इनकरेक्ट है। फोर का, द वॉल ऑफ आर्ट्रिया आर मच थिकर देन द वेंट्रिकल, जो हमारा आर्ट्रिया का जो है वॉल है, मतलब जो आर्ट्रिया का दीवार है वो क्या थिकर होता है, मतलब मोटा होता है क्या वेंट्रिकल से, बताओ, नहीं। तो हमारा वेंट्रिकल मोटा होता है आर्ट्रिया से, समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। हमारा जो वेंट्रिकल का वॉल है वो थिकर होता है किससे, हमारा एट्रिया से, या तो आप गलत लिखा हुआ है, तो एट्रिया लिखा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में एवियन क्या है, कहाँ, एवियन नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, ये नोड होता है, मतलब ये सब रेगुलेट करता है। हार्ट के बारे में पढ़ेगा तो समझ में आएगा। अनु लगता है क्लास से भाग गई। एवियन नोड, और क्या इसमें, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर्ट्रिया क्या होता है, वेंट्रिकल्स का वॉल, उससे क्या होता है, पतला होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, एवियन प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जो हमारा एवियन है मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नर्व, ये क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम में, तो नहीं, कहाँ होता है, राइट में, कहाँ होता है ये, राइट में होता है, राइट में। तो ये क्या हो जाए, ए और बी दोनों गलत। सी, नेटवर्क आ गया, तो चलो अब बताओ तो आंसर, द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट, मतलब जो हमारा नोडल होता है, हाँ इसीलिए बहाना मारती है कि कभी नेट नहीं है, कभी कुछ भी, कभी कुछ भी बहाना मारती है। जो हमारा नोडल मस्कुलेचर है उसके पास एक एबिलिटी होता है जनरेट करने का, क्या, एक्शन पोटेंशियल को, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुली क्या,
मतलब हम किसी को क्या किए, चुट्टी काटे तो किसी को हम पिन किए, या तो हम पेन से क्या किए उसको पिन किए, तो क्या करता है कोई आदमी, मतलब हम लोग क्या क्लास में बदमाशी करते थे, स्कूल में क्या करते थे, कोई बच्चा है शांति से बैठा हुआ है सीधा साधा, जैसे कुंदन याद है हमारे मेरे क्लास में एक हिमांशु था, तो उसको सब क्या बच्चा लोग करता था, मेरे क्लास का लड़का लोग उसको पिन करता था, बेचारा शांति से बैठा होता था उसको सब पिन करता था, तो वो क्या होता था मतलब एक्टिव एक्टिव हो जाता था। तो यही वो रहा, जो हमारा नॉर्डन मस्कुलेचर है वो विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुली, वो खुद एबिलिटी उसके पास होता है एक्शन पोटेंशियल होने का। तो हाँ ये सही है, हाँ हाँ वही पता नहीं, हाँ हाँ वही सब। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 मतलब ए भी हमारा गलत है, सी हमारा क्या सही है। ए भी क्यों गलत है, वेंट्रिकल का मोटा होता है आट्रिया से, और जो एवियन होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नर्व वो कहाँ होता है, राइट साइड में होता है, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है। अब देखो 5, 5 का देखो, 5 में क्या होगा, तो हाँ देखो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हार्ट का साउंड होता है, हार्ट का दो ही साउंड होता है, 4 का डी, हाँ सही है, हार्ट का दो ही साउंड होता है, एक लव होता है एक डब होता है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फर्स्ट साउंड है हार्ट का, मतलब क्या दिल क्या होता है क्या। 5 का सी कैसे होगा, नु पिटा जाएगी, फर्स्ट साउंड पूछ रहा है, ये फर्स्ट हुआ ये सेकेंड हुआ, तो क्या हो जाएगा, 5 का फर्स्ट होगा लव। दिल क्या होता है, धक धक करता है, मतलब दो बार कभी स्थितोस्कोप लगाना तब देखना सुनना, इसलिए बोलते जल्दी स्नीट निकालो, तो क्या होता है लव डव करता है, मतलब एक लव और दूसरा डव, तो पूछ रहा है पहला साउंड जो होता है हार्ट का वो क्या होता है, तो हमारा लव होता है, क्या होता है लव होता है। 5 का एक क्वेश्चन बताती है और गोली चलाती है। अब देखो डप्पी, अब हम लोग क्या ईसीजी, ईसीजी के बारे में सब कोई जानता है, ईसीजी के बारे में सब कोई जानता है, तो वही ईसीजी, इसमें जो हमारा पी वेव जो होता है, 4 का ए, हाँ सही है, जो हमारा पी वेव जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्या करता है सेकेंड होगा, क्या करता है डी पोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, मतलब वो क्या करता है एक इलेक्ट्रिक, मतलब क्या एक इलेक्ट्रिकल वो है, मतलब हार्ट का जो हार्ट बीट होता है उसको क्या करता है ग्राम में निकाल के देता है पतला सा पेज में ऐसे से ऐसे से करके, तो वही होता है ये क्या करता है पी वेग, ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, मतलब आर्ट्रिया को एक्साइटेड करता है, ठीक आर्ट्रिया को क्या हुआ एक्साइट किया, एक्साइट की वजह से क्या होता है आर्ट्रिया क्या होता है डीपोलराइजेशन आर्ट्रिया का हो जाता है। तो 6 का क्या हो जाएगा, ट्रू हार्ट, 6 का हाँ बी सही है कुंदन। अब बताओ हार्ट, हार्ट इज कॉल्ड, हम लोग हार्ट को क्या बोलते हैं मायोजेनिक बोलते हैं, याद रखना हार्ट को क्या बोलते हैं मायोजेनिक, अब बताओ क्यों, बिकॉज इट इज ऑटो रेगुलेटेड, हम लोग का हार्ट जो है वो ऑटो रेगुलेटेड है, क्या हम लोग हार्ट में कोई मशीन लगाएं या क्या, हार्ट को हम लोग बार बार बोलते हैं कि चलो अब मेरा दिल धड़को मेरा दिल धड़को, या कुछ एक्सटर्नल हम पे उसको कुछ करे तो नहीं, वो खुद से रेगुलेट होता है, वो खुद है ऑटो रेगुलेटेड है, तो वो किससे ऑटो रेगुलेटेड होता है, हमारा नोडल टिश्यू से, किससे होता है नोडल टिश्यू से, याद रखना ये याद रखना सबको। फिर से तुम्हारा नेटवर्क भाग गया क्या, हार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मायोजेनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं मायोजेनिक बोलते हैं, 7 का सी याद रखना नू, क्या बोलते हैं मायोजेनिक बोलते हैं क्योंकि वो ओ एटो रेगुलेटेड होता है किससे, हमारा नोडल टिश्यू से। अब एट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, डिक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट, कौन जो है क्या इसमें क्या है जो हार्ट को डिक्रीज करता है, हार्ट रेट को क्या करता है वो डिक्रीज करता है हार्ट बीट का रेट को, मायोजेनिक, मायोजेनिक मतलब हार्ट मायोजेनिक हम कैसे बोले, जैसे कि मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा कोई भी ऑर्गेन मतलब 3 लेयर का होता है, इक्टो मायो और इंडो, तो हमारे ये मायोजेनिक है मतलब बीच वाला पार्ट में, समझ में आया, तो इसलिए हम लोग हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं, और ये ऑटो रेगुलेटेड होता है और किससे होता है, तुम्हारा नोडल टिश्यू से, ये ऑटो रेगुलेटेड करता है। और हम इसमें कौन सा हमारा रहता है, कार्डियक मसल्स होता है, हार्ट में कैसा मसल्स होता है कार्डियक मसल्स होता है। अब ये बताओ इसमें जो हमारा पारा सिंपेथेटिक नर्व है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है किसका, हार्ट का रेट को, हार्ट बीट का रेट को, मतलब हमारे हार्ट बीट का जो रेट है उसको क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, और स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल दे रहा है, और इसके कारण क्या होता है कार्डियक आउटपुट भी कभी कभी होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 का
फर्स्ट जो याद रखना है, पैरासिम्पेथेटिक नर्व क्या करता है, हार्ट का बीट को डिक्रीज करता है, स्पीड का कंडक्शन को डिक्रीज करता है। अब ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये क्वेश्चन हमको तो लगता है कोई भी टेस्ट हो, अगर ये ब्रीथिंग ये सबसे आता है तो इससे क्वेश्चन आता ही है। बता 9th का फिगर होगा एनसीईआरटी में, बताएं कितना नंबर फिगर हमको याद है, फिगर नंबर होगा 18.4 एनसीईआरटी में, देख लेना। अब बताओ इसमें क्या क्या बोल रहा है। पहला ये फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है, पल्मोनरी वेन है, ये क्या हमारा पल्मोनरी वेन है। सेकेंड क्या है, डॉर्सल अरोटा है, ये हमारा क्या है डॉर्सल अरोटा है। थर्ड क्या है, ये भी पल्मोनरी वेन है और ये हमारा वेना केवा, ये जो हमारा ऊपर में ऐसे से करके बॉक्स बना हुआ है ये हमारा वेना केवा, ये पल्मोनरी वेन है, ये क्या है हमारा डॉर्सल अरोटा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है वेना केवा, ये हमारा पल्मोनरी वेन है। 9 का डी, हाँ 9 का 4। अब 10th बताओ, आर्टरी एंड वेन्स कॉन्सिस्ट ऑफ, मतलब जो हमारा आर्टरी और वेन है कितने लेयर का बना होता है। हर एक आर्टरी और हर एक वेन कितने लेयर का बना होता है, 3 लेयर का, याद रखना 3 लेयर का, कितने लेयर का होता है 3 लेयर का। जो इंडोथेलियम होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, दिया हुआ एनसीईआरटी में, कितने लेयर का होता है 3 लेयर का, याद रखना। 10 का सिहानो सही, थोड़ा जूम कीजिए, कौन सा क्वेश्चन को जूम करें, अच्छा वो देखो एक बार देख लो अच्छे से। फर्स्ट क्या है हमारा पल्मोनरी वेन है, सेकेंड क्या है डॉर्सल, हाँ ये 3 लेयर सही है। देखो ये सेकेंड क्या है हमारा डॉर्सल अरोटा है, ये ब्लड अच्छे से एनसीईआरटी में देखना, फिगर 18.4 में होगा। और हमारा थर्ड क्या है, ये भी पल्मोनरी आर्टरी है और ये हमारा वेना केवा है, ये बताओ 3 लेयर, हाँ 3 लेयर का होता है। ब्लड ऑफ ह्यूमन्स आर ग्रुप्ड इनटू, जो हमारा ब्लड होता है ह्यूमन का, आप जितने सारे लोग हैं सबके पास, किसी के पास ए होता है, किसी के पास बी, किसी के पास ए बी, किसी के पास ओ होता है, और ये किस पे बेस्ड होता है बताओ, किस पे बेस्ड होता है, किस पे होता है, तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस ऑफ एंटीजन, एंटीजन पे, मतलब टू सरफेस ऑफ, तुम्हारे पास ओ है ठीक है, तो किस पे बेस्ड है, तो प्रेजेंस और अब्सेंस मतलब या तो है या तो नहीं है, क्या टू सरफेस ऑफ एंटीजन, इस पे हमारा बेस्ड होता है। 10 का 11 का भी, हाँ कुंदन सही है, अन्नू तुम्हारा भी सही है। लिम्फ, लिम्फ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्लड, जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ मतलब जो हमारा कोई फ्लूइड को पास करता है, ठीक फ्लूइड को पास करता है, ये जो हमारा लिम्फ होता है ये क्या करता है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ब्लड से, तो एक्सेप्ट फॉर, मतलब ब्लड से सिमिलर है लेकिन ब्लड से क्या इसका डिसिमिलरिटी है, मतलब क्या छोड़ के बताओ, तो क्या छोड़ के, ऑल ऑफ दीज होगा इसमें, प्रोटीन कॉन्टेंट एंड आरबीसी, पहला तो प्रोटीन कॉन्टेंट, मतलब जैसे कि ब्लड के पास क्या होता है प्रोटीन होता है, आरबीसी होता है, लेकिन लिम्फ के बाद पास आरबीसी नहीं होता है, इसलिए ये वाइट होता है, मतलब कि ये ब्लड हमारा रेड होता है, इसका कोई रंग ही नहीं होता है, मतलब इसके पास आरबीसी नहीं है, हमारा प्रोटीन नहीं है। दूसरा डब्ल्यूबीसी नहीं होता है, प्रोटीन नहीं है, फिर प्लेटलेट्स भी नहीं होता है, प्रोटीन नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, समझ में आ गया। 12 का डी, हाँ नो सही है, तो ये किसका क्वेश्चन था, जूलॉजी का क्वेश्चन था, ठीक। 12 क्वेश्चन जूलॉजी का, आप देखो बॉटनी का, किसी को ये 12th क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो बोलो। अब हम लोग देखते हैं बॉटनी का क्वेश्चन 12th, इसमें भी 12 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन होगा इसमें। अब देखो प्रोटीन कवर पेलिकल इज प्रेजेंट इन, जो हमारा प्रोटीन कवर पेलिकल होता है ठीक, प्रेजेंट हमारा किस में होता है, इग्लिनोइड्स में, याद रखना पेलिकल, जहाँ पे पेलिकल आ गया क्वेश्चन में क्या हम लोग को मार देना है, इग्लिनोइड्स मार देना है आँख बंद करके, ऑप्शन में अगर दे दिया नहीं फर्स्ट का हो जाएगा इग्लिनोइड्स, आँख बंद करके क्या मार देना है इग्लिनोइड्स। और ये पेलिकल क्या करता है बॉडी को, मतलब इग्लिना के बॉडी को फ्लेक्सीबल बनाता है, समझ में आया, फ्लेक्सीबल बनाता है पेलिकल, तो क्या हो जाएगा 1 का 3, याद रखना है पेलिकल आ गया, जहाँ भी दिखे पेलिकल होगा तो इग्लिनोइड्स तो होगा ही, इग्लिनोइड्स को सीधे मार देना है। पेलिकल का वर्ग याद रखना है कि क्या होता है, तो ये क्या करता है
मतलब इग्लीना का बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, मतलब वो कहीं से भी कोई भी पोजीशन को चेंज कर सकता है। और ये प्रोटीन रिच लेयर होता है, इसमें प्रोटीन होता है, देखो प्रोटीन का कवर होता है। अब देखो डाइकैरियोना स्टेज, जो हमारा डाइकैरियोना स्टेज होता है वो किस में विजिबल होता है, तो टू का हो जाएगा 4, एस्को में भी होता है, बेसिडियो में भी होता है। तो टू का क्या हो जाएगा अनु, बताओ टू का क्या हो जाएगा, डी, हाँ 4। अब देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब ये चार स्टेट तीन स्टेटमेंट है, इसमें बताना है कौन सा सही है 3 का। पहला पढ़ो, एस्कोस्पोर इज इंडोजेनसली, हाँ जो हमारा एस्कोमाइसिटीज में है उसमें वो क्या करता है, एस्कोमाइसिटीज में वो क्या करता है, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव करता है। ठीक, तो एक्सको में क्या करता है, एसेक्सुअल स्पोर कैसे, इंडोजेन, इंडो मतलब अंदर से, इंडोजेनसली प्रोड्यूस करता है। हाँ तुम सब सही बता रही है, तो पहला सही है हमारा। दूसरा क्या बोल रहा है, बेसिडियोस्पोरिज एसेक्सुअल नहीं, ये भी एसेक्सुअल नहीं है, तो ये हमारा गलत है, ये सही है। प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी नॉट प्रेजेंट इन ड्यूट्रोमाइसिटीज, क्या प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी नहीं प्रेजेंट होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज में, बताओ। तो 3 का क्या हो जाएगा हमारा, 4, सिर्फ कौन सा सही हो जाएगा, ए और हमारा सी, ए एंड सी सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बता लो, तुमको बहुत बार बताएं, सिलिका डिपोजिटेड, सिलिका जो है डिपोजिशन करता है और वॉल बना देता है, ठीक, तो किस में, 4 का किस में, तो हमारा डाइटम्स में बताए थे, वो क्या करता है डाइटम्स, डाइटम्स जो होता है वो एक जगह रहता है, वो धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर तक रहता है और अपना जो ऊपर का लेयर होता है उसको निकाल फेंकता है, हर कोई ये काम करता है, तो वो क्या करता है, वो कपड़ा जो अपना जो ऊपर का लेयर को निकालता है वो सिलिका का बना होता है उसका कवर, तो वो क्या करता है धीरे 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 मिलियंस ऑफ ईयर में एक डायटोमियस अर्थ बना देता है, और जो किसका होता है सिलिका का होता है, और वो वॉल जो होता है बिना टूटने वाला होता है, कितना भी कोशिश कर लेता आदमी नहीं टूटता है, तो क्या हो जाएगा हमारा डाइटम्स। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हैव इंडोजिनियसली प्रोड्यूस सेक्सुअल, अब बताओ इसमें से कौन है, अभी जस्ट बताए थे ये क्वेश्चन, देखो सेम ये क्वेश्चन, पहला एस्कोस्पोर इज इंडोजेनस सेक्सुअल स्पोर, और ये क्वेश्चन सेम इसमें में, इसमें कौन सा है जो इंडोजेनसली प्रोड्यूस करता है सेक्सुअल स्पोर को, तो क्या जाएगा 4, तीनों हो जाएगा, पेनिसिलियम भी होगा, नीरोस्पोरा भी होगा, मोरल्स भी होगा, क्योंकि ये तीनों किसका एग्जाम्पल है हमारा एस्कोमाइसिटीज का। हाँ सही है, तुम भी तो सही बता रहा, तो क्या हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज 5 का 4, हाँ क्योंकि अभी जस्ट बताए थे एस्कोमाइसिटिस क्या करता है, वो सेक्सुअल स्पोर देता है, ठीक, तो ये भी सही है, तो इसका एग्जांपल एस्कोमाइसिटिस का ही सब एग्जांपल है, पेनिसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है, मोरल्स है, ये सब क्या है एस्कोमाइसिटिस का एग्जांपल है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले ना तुम बता रही ना वो बता रहा, पहले हम बता रहे हैं, अब बताओ तो ये इसका आंसर बताओ, तब देखते हैं कौन पहले बता रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब बताओ इसमें कौन सा करेक्ट है ए और बी में, बताओ। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी, जो हमारा टीएमवी है टबैको मोसेक वायरस, उसमें क्या जो हमारा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो भी डबल स्टैंडर्ड, बता, तो नहीं, क्या होगा, नहीं होगा, ये गलत। 6 का क्या होगा, बी, बोथ ए एंड बी, नहीं 6 का बी नहीं होगा कुंदन, 6 का हो जाएगा 3, सिर्फ हमारा क्या बी सही है। द मोस्ट प्लांट वायरस जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल, हाँ जो हमारा बहुत सारा मोस्ट प्लांट जो वायरस है उसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो क्या हो जाएगा 6 का 3 हो जाएगा। 7 बताओ, मार्क द इनकरेंटली, मतलब मैच है जेनेटिक मटेरियल से और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखना लास्ट वाला पेज में, अब बताओ कौन सा है जो गलत मिला हुआ 7th का, तो कौन सा गलत मिला हुआ, वायरोइड जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो हाँ सही है होता है, एनावेना जो होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो हाँ होता है,
मोस्ट बैक्टीरियोफाज, जो हमारा बैक्टीरियोफाज होता है वो क्या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है? तो नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा 6, 7 का 3, और टीएमबी क्या है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। देखो यहाँ पे क्या था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिखा होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। 7 का क्या हो जाएगा? सी। हाँ कुंदन सही है, 7 का C। अब देखो फिर नेट भाग गया क्या अनु? मेरा भागता या तुम्हारा भागता? कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। अब इसमें देखना है कौन सा फीचर सही है 8 में, किसमें है? नॉन स्टॉक में है, मेथेनोजन में, डायनोफ्लेजिलेट में, ग्लेनोइड्स में, कौन कौन सा है इसमें? बिल डिफाइंड न्यूक्लियस। बिल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? फ्लेजिलेटेड कौन होता है? मेराइनकोम है। तो ये सब क्या है? हमारा डायनोफ्लेजिलेट है। बिल डिफाइंड न्यूक्लियस भी उसके पास है, ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करता है, क्लोरोप्लास्ट भी उसके पास है, फ्लेजिलेटेड भी होता है। फ्लेजिलेटेड कैसा होता है? एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, और ये मेराइन भी होता है। तो क्या हो जाएगा 8 का 3? अनु सही, 8 का 3। अब 9 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 9th का, क्लैमिडोमोनास एंड कॉलेरा इज प्रोटिस्टा अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम। जो हमारा 5 किंगडम था उसमें क्लैमिडोमोनास और कॉलेरा क्या है? वो प्रोटिस्टा में आता है। तो हाँ आता है, सही तो बोला, आता है। प्रोटिस्टा कैन बी सेप्रोफाइटिक। प्रोटिस्टा क्या कभी कभी सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है? तो हो सकता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट। जो होता है वायरस वो क्या करता है? ऑब्लिगेट करता है पैरासाइट को। तो हाँ करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 9th का 2 हो जाएगा। तीनों सही है। डायनोफ्लेजिलेट। 10 का बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी बता, 9 का भी सही है अनु। अब ये बता, 3 क्वेश्चन और है 10th का। इन अल्ब्यूगो हाइपी इज एसेप्टी। जब हम लोग फंगी को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उसका सेप्टी को भी देखते हैं। तो हम लोग जो हमारा अल्ब्यूगो होता है वो क्या, उसका जो होता है हाइपी वो क्या होता है? एसेप्टी होता है। तो हाँ होता है, एसेप्टी होता है, फाइकोमाइसिटीज में होता है। डाइकैरियोना स्टेज इज नॉट विजिबल इन राइजोपस और म्यूकर। जो हमारा डाइकैरियोना स्टेज है वो नहीं दिखता है किसमें? राइजोपस में और म्यूकर में। तो हाँ नहीं दिखता है। तो क्या हो जाएगा 10th का B? हाँ अनु सही है, 10th का B। सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, अच्छे से नहीं ना पढ़ा हुआ इसलिए नहीं बन रहा। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। एनसीईआरटी पर पहले तुम रीडिंग करना, नहीं आएगा तो हम इसको करवा देंगे। सब तुमको समझना पड़ेगा एसेप्टी क्या है, और पढ़ेगा उसमें तो देखना फाइकोमाइसिटिजमल व्यूगो एग्जांपल है, सब कुछ है, समझा देंगे। 11th देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। अभी अगर तुमको 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा तो उसमें आ जाना, तो फिर उसका क्वेश्चन करवाएंगे तो देखना तुमसे बनने लगेगा। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर। अब इसमें बताओ कि एस्कोमाइसिटीज में कितना होता है? तो एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है हमारा? माइसिलियम जो होता है क्या होता है? इन्वर्टेड होता है और सेप्टी, इन्वर्टेड होता है और सेप्टी होता है। तो क्या हो जाएगा 3? क्या होता है हमारा? ब्रांच्ड और सेप्टी। सेप्टेड भी है हमारा और कहाँ है? ब्रांच्ड भी, ब्रांच और सेप्टी। तो क्या हो जाएगा 3? लास्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोगैमी इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, किसका फ्यूजन करवाते हैं? प्लाज्मोगैमी में 2 मोटाइल गैमिट, मोटाइल गैमिट कितने बजे से घर में पूजा है? 12th का D। वाह अनु, तुम तो आज मचा दी। लास्ट क्वेश्चन है 14 का 12th का 4 सही है। मोटाइल गैमिट मतलब क्या, जैसे कि मेल का अच्छा हो रहा है, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, तुम जाके पूजा में बैठ जाना और फिर
और फिर बताना कि कितने बजे पूजा खत्म होगा, हमको बता दो, उस टाइम आएंगे, टेंशन नहीं लो, 10 बजे बोलेगा 10 बजे आएंगे। टू मोटाइल गैमिट, मोटाइल गैमिट मतलब क्या होता है, जो मतलब कहीं जा सकते, जैसे हमारा मेल स्पर्म होता है वो क्या होता है, वो मोटाइल होता है, ओवम क्या होता है, वो एक जगह रहती है। तो या तो टू मोटाइल गैमिट का फ्यूजन हो रहा है या तो नन मोटाइल गैमिट का फ्यूजन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 12th का 4। तो पूरा क्वेश्चन आज हो गया, 24 क्वेश्चन था आज, हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बता दो कुंदन कितने बजे लाइव आना है। ठीक है, तुम पूजा पे बैठो, आएंगे हम 10 बजे लाइव आएंगे, 10 से 10 बजे। ठीक है, बाय, गुड नाइट सबको, ऑल द बेस्ट, और शेयर कर देना सब चैनल को। हाँ वही, 10 10 बजे तक आएंगे, तब तक सब खाना पीना कर लेना, तब तक आएंगे। चलो ठीक, बाय, गुड नाइट। हाँ ठीक, 10 बजे कंफर्म, 10 बजे। ठीक है, बाय, गुड नाइट कुंदन अनु, दोनों को बाय, गुड नाइट, और गोली मत चलाओ, चलो बाय।